दुल्हन के घर में आ चुके हैं और जामू के लिए यहाँ पर आटा और कुरान पाक लाए हुए। तो ये इतना एक देख काफी होगा सबके लिए, बहुत अच्छे से होगी शादी। तो कैसी फीलिंग आ रही है? अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, वेलकम टू माय चैनल कामरान व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो है ना हमारे गांव में एक भाई की शादी है, और इससे पहले ना मैंने कभी भी आपको हमारे गांव में शादी का व्लॉग मैंने कभी भी आपको नहीं दिखाया कि हम शादी वाले दिन क्या क्या करते हैं और किन किन चीज़ों का इंतजाम करते हैं, किस तरह से रस्म रिवाज क्या क्या होते हैं, कभी भी आपको नहीं दिखाया। तो ये मेरा पहला व्लॉग होगा जो मैं अपने एक फुल डिटेल व्लॉग होगा कि शादी पर बनाऊंगा कि हम शादी वाले दिन क्या क्या करते हैं। तो आज का ये व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, बस आपने इस व्लॉग के एंड तक जुड़े रहना है। और जो लोग भी चैनल पर न्यू आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज का ये प्यारा सा व्लॉग शुरू करते हैं। कितने लेके जाओ लकड़ी? लकड़ी जलने के लिए, वो जलाने के लिए। खाना बना रहे हैं? कहाँ पे बना रहे हैं खाना? नीचे बाग में बना रहे हैं। अच्छा, तो यार उस ना बाग में खाना बना रहे हैं, अभी वहाँ पे जाके देखते हैं और क्या क्या कर रहे हैं भाई लोग सारे ना, किस तरह से खाना बना रहे हैं जाके देखते हैं। माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या ले जी, खाना यहाँ पे बना रहे हैं बड़े से देख में, और इसमें क्या बना के रखा हुआ? अच्छा, इसमें यखनी बनाई हुई है, उसमें पता नहीं क्या बनाया हुआ है, इसमें क्या बनाया हुआ है यार? ये खाली गोश बनाया था, कुछ भी नहीं है, खाली है ये। अच्छा गोश उसमें, चलो गोश वो बाद में देख लेंगे। तो ये इतना एक देख काफी होगा सबके लिए? काफी है। छत से देख रहा था यहाँ पर खाना बना रहे थे ना, तो यहाँ पर भाई सारे आए हुए और यहाँ पर कटिंग शटिंग भी की हुई है, प्याज श्याज भी यहाँ काट के रखा हुआ है। अभी और भी प्याज श्याज थोड़े बच गए हैं, वो काटेंगे। सर हम आज खुशी के दिन पे थे, थोड़ा काम शाम कर रहे हैं। तो अभी खाना शाना लगवाएंगे, उसके बाद खाना शाना सब खा के ना दुल्हन को लेने जाएंगे। अच्छा ढोल ये भाई बजाएगा? हाँ, एक और डंडा दो ना, एक और डंडा। डांस करने कौन आएगा? यूसुफ भाई ना, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस है लेकिन और किसी को नहीं है, बस थोड़ी देर इधर डांस करने आ जाओ, और किसी से हिम्मत नहीं हो रही, आप आ जाओ यार यूसुफ भाई, बस यूसुफ भाई आ रहा है डांस करने, आ रहा यूसुफ भाई। जो है यूसुफ, जो है यूसुफ, ढोल दे दिया जाए। किसको? मामू को। मामू आ जाओ, बच्चे उठा के डांस करने आपने, आप मामू हो ना, आप मामू, आपको तो डांस करने चाहिए खुशी के मौके पे। आप सब बैठ जाए यार, अभी खाना लगाने लगे। हम मंजूर भाई दम को आ गए, हो गया दम, अभी देखेगा तो पता चलेगा। जबरदस्त। तो यार अभी चावल भी उनसे पक चुके हैं और अभी बर्तन में डाल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से सालन डालेंगे, फिर वहाँ पे रखते हुए जाएंगे। और सारे जो दोस्त यार हैं जो सलमान भाई के, वो शमियाने के अंदर बैठे हुए हैं। तो अभी हम दुल्हा के रूम में आ चुके हैं, और यहाँ पर ना जो दुल्हा यहाँ पर ड्रेस चेंज करेंगे, और साथ में जो यूसुफ भाई हैं वो कसदा पढ़ेंगे। हमारे गांव मतलब ऐसे ही होता है ना, जिसकी भी शादी होती है ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर अभी रूम में चेंज करेंगे भाई, तो और साथ में यूसुफ भाई कसीदा पढ़ेंगे। तो यूसुफ भाई आप शुरू करें कसीदा। कुछ हाँ मैं ठीक है, जबरदस्त है माशाल्लाह, सजदे शुक्र कर रहे हैं अभी। बस अभी जो उनसे दुल्हा को अंदर से लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर ना दोंबियों निकालो, हमारी जबान में दोंबियों बोलते थे, और ऊपर कुरान पाक रखा हुआ है आटे के ऊपर। गाड़ी भी तैयार हुई हुई है, तो यहाँ से जाने आगे दूसरा जो मोहल्ला है बोरी, उस मोहल्ले में जाके दुल्हन को लेकर आना है। तो अभी यहाँ पर एक और गाड़ी भी है, जो लोग दुल्हा के साथ जाएंगे वो गाड़ी में भी जाएंगे और वैन में भी जाएंगे यहाँ से। चले सलमान भाई आप चले, हम आपके पीछे ही हैं, ठीक है? चले चले बिस्मिल्लाह। बस आप लोग आहिस्ता आहिस्ता हैं, हम बस बाइक निकालते हैं, ठीक है यूसुफ भाई? बाइक हमारे पास था नहीं, हम पैदल आ रहे थे, तो मंजूर भाई का बाइक जो हमने यहाँ से निकलवाया घर से, तो गाड़ी भी यहाँ पर पहुँच गया।
अभी पहुंच गए हैं मोहल्ले में और यहाँ से ना इस साइड को जाना है, जो दुल्हन के जो घर है ना वो इस साइड को है। तो यहाँ से बस पैदल जाएंगे। ये जो भाई लोगों ने पकड़ा हुआ ना, ये दुल्हन के घर में तबरुकात भी लेकर आए हैं साथ में ना, ये चीज़ें। हम पहले से ही जो दुल्हन के घर में आ चुके हैं और जामों के लिए यहाँ पर आटा और कुरान पाक लाए हुए हैं। अभी हम दुल्हन वाली साइड भी आ चुके हैं, तो अभी सबसे पहले यहाँ पर चाय शाय का इंतज़ाम किया हुआ, तो पहले चाय पियेंगे उसके बाद खाने का। चाय शाय पी के खाने के लिए सेटअप लगा रहे हैं। खाना लग चुका है और सब जो उनसे खाना तनावल कर रहे हैं। खाना खाने के बाद जो उनसे उसके बाद मेरे ख्याल से फिर जो उनसे दुल्हन को दुल्हा के पास लेकर आएंगे। कोफ्ता आप खा के हमें बताना कैसा बना, ठीक है? अभी तो आपने खाया भी नहीं। अभी खाने से पहले ही पता चला, याद नहीं कर इतना एक्सपीरियंस। प्लेटों में ना अभी खुबानी और खुबानी के अंदर जो गिरी होती है ना वो चीज़ें, तो और जो इसके ऊपर लिफाफे रखे हुए ना, वो लिफाफों में अपने हिसाब से ऐसे डाले हैं। अच्छा, हमारे लिए भी है, ब्लॉगर्स के लिए भी रखा हुआ है। चले ठीक हो गया। मैं तो मंजूर भाई इधर वीडियो शीडियो के लाए हुए थे, मंजूर भाई को भी दे दिया और मुझे भी नजराना, नजराना ही होता ना। चलें ठीक है, ब्लॉगर की भी इज्जत है मतलब यार। दुल्हन के घर में खाना शाना खा के सब अभी बाहर आ रहे हैं, तो फिर से अभी जामू करके लेकर आएंगे, अभी जो इनसे दुल्हन को भी साथ लेकर आएंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुल्हन के घर में खाना शाना खा के सब कुछ करके डन करके तो अभी वापस आ रहे हैं, ठीक है, दुल्हन को लेकर आ रहे हैं दुल्हा जो उनसे है। तो अभी यहाँ से गाड़ी में बैठ के जो गुनपुन मोहल्ला है वहाँ पर लेके जाएंगे। दुल्हन की भी गाड़ी पहुंच गई है और दूल्हा भी उतर गए हैं, तो यहाँ से घर लेके जाएंगे फिर। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलमान भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी शादी भी होगी यार, तो अल्लाह का शुक्र मतलब बहुत अच्छे से होगी शादी, तो कैसी फीलिंग आ रही है यार? माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, है भी है, सुन्नत की सुन्नत रसूल भी है और खुशी का मुकाम भी है। अच्छा, जिंदगी में हम एक ही बार शादी करते हैं, बिल्कुल सही, थोड़ा सा फंक्शन हो, बिल्कुल बिल्कुल प्यार भी हो, सही बात है, तो अच्छा लगता है। तो यार अल्लाह का शुक्र है पूरा कामयाब हो गया, अल्लाह के अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हम कवारे जो लड़के हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ यार, जल्द अज जल्द शादी कर ले। अच्छा, अगर कोई तालीम कोई इश्यू नहीं हो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भी बहुत जल्द आपके पीछे पीछे इंशाल्लाह आ जाएंगे शादी करेंगे, कोशिश कर ले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो यार सलमान भाई। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, आज हमारे गाँव में सलमान की शादी भी हो गई और बहुत ही मजा आया, और आज अपने गाँव में रस्म और रिवाज होते हैं जो शादी पर, वो देखने को मिले, और मैंने कभी भी अपने गांव में ना फुल शादी कभी भी अटेंड नहीं की थी, ठीक है, तो आज अपने गांव में शादी किस तरह से होती है वो भी देखने को मिल गया। तो आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट में लाजमी से बताएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।